दीपिका, निश्चित तौर पर उत्साह था भारतीय यात्रियों में, प्रदेश यात्रियों में, जो अतिथि यात्री रखे गए उनमें, जो गांव में, कस्बों में, शहर में जो लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े उनमें एक उत्साह देखने को मिला। वो उत्साह लगातार कायम है। और जिस तरह राहुल गांधी ने मन से कहा कि मैं रोज 25 किलोमीटर चलता हूँ, मैं आज सुबह जिस तरह आपको दिख रहा हूँ वैसा ही शाम को भी आपको दिखूंगा, शाम को भी मुझे थकावट नहीं होती है, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि राजस्थान के नेता मंच पर बैठे हैं, इन्हें देखिए, पिछले 17 दिन से लगातार ही चल रहे थे, 17 दिन चलने के बाद कोई भी नेता क्या थका हुआ लगता है। उन्होंने कई सारे नेताओं को नाम लिया और कहा कि इनको देखिए। तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है यही है, जो थकावट नहीं हो रही, इसके कारण ये उत्साह है। ये यात्रा अब इस मुंडका गांव से शुरू हो गई है और हरियाणा की तरफ शुरू हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 3 दिन हरियाणा में रहेंगे, लोग उनके साथ जुड़े। 3 बड़े मुद्दे उन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ने के लिए बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ ये यात्रा कर रहे हैं, लोग उनके साथ आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम देख रहे हैं कि ना केवल कांग्रेस में बल्कि भाजपा या समाजवादी कोई भी अन्य पार्टी के नेता आजकल ऐसा हो गया है कि वो सीधे आते हैं, घंटों के भाषण देते हैं और लौट जाते हैं। उनका कार्यकर्ता से या आम आदमी जुड़ाव है वो खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं जो जुड़ाव है वो करने के लिए और जो दूरी है वो मिटाने के लिए निकला हूँ सड़कों पर, ताकि आम कार्यकर्ता, आम लोगों के साथ में जुड़ूं। तो निश्चित तौर पर ये उत्साह है इस भारत जोड़ो यात्रा का कि लगातार चल रहे हैं। आज भी तेज ठंड थी और राहुल गांधी ठीक वैसे ही जैसे पहले नजर आए, टी शर्ट में ही यहाँ पर मंच पर नजर आए। और एक बड़ी बात कि जब यहाँ से वो कार्यक्रम खत्म करके जाने लगे तो राजस्थान के सब नेताओं को गले लगाकर, तस्वीर खिंचवाकर उन्होंने विदाई दी मंच पर ही। और राजस्थान के कई सारे मंत्री और विधायक इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। जो फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी हुई उसमें राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हरियाणा के चीफ को तिरंगा सौंपा। बिल्कुल अश्वनी, और क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, पाटन उदयपुरी से संबोधन एक एक हमने अपने दर्शकों को सुनाया था, जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया वो भी सुनाया। लेकिन अश्वनी, आपकी मौजूदगी वहां पर अभी भी है, वहां पर अब तो सारी कुर्सियां भी खाली नजर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यात्रा वहां से प्रवेश कर चुकी है, उससे पहले की अगर तस्वीरें मैं आपसे जानना चाहूं तो वो कैसी बयां करती हुई नजर आई थी, लोगों की बात करें तो उनमें किस तरीके की चर्चाएं सुनने को आपको मिली? दीपिका, मैं अभी जहां खड़ा हूं ये वो जगह है जहां अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है। सभी यात्री, सभी लोग जो हैं एकत्रित हुए थे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी नेताओं का उद्बोधन सुनने के बाद यहां से यात्रा में रवाना हो गए हैं। इसलिए आपको सिर्फ कुर्सियां और जगह खाली नजर आएगी। लेकिन से ठीक पहले जब कार्यक्रम हुआ अंधेरा था, अब कुछ रोशनी हो गई है, पौ फट गई है ये कह सकते हैं। उस अंधेरे में काफी संख्या में यहाँ लोग लगातार मौजूद थे, इंतजार किया। और जब राहुल गांधी आए तो भाषणों पर ना केवल तालियां बजाई बल्कि हुटिंग की, जिंदाबाद के नारे लगाए। और जब राहुल गांधी अपना उद्बोधन खत्म करके यहाँ के लोक कलाकारों से मिलने के बाद रवाना हुए तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे यात्रा में शामिल हो गए हैं। 3 दिन तक ये यात्रा हरियाणा में चलेगी और राजस्थान एक अकेला राज्य था जहाँ कांग्रेस का शासन था। अब ये भाजपा यहाँ पर सरकार है हरियाणा में और ये यात्रा अब हरियाणा में चलेगी और 24 दिसंबर को दिल्ली। बिल्कुल अश्वनी, ब्रेक होगा। बिल्कुल अश्वनी, क्योंकि यहाँ से तो हरियाणा में प्रवेश करी गई यात्रा। लेकिन अश्वनी, आप देखना ये होगा, नजर इस पर रहेगी जो सुझाव राहुल गांधी देकर गए हैं उन पर किस तरीके से अमल किया जाता है, और अमल होता है तो फिर कितना अमल होता है, फिर चाहे वो पैदल चलने की बात की जाए या फिर लोगों के बीच जाने की बात की जाए। दीपिका, मंच से राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि उन्हें खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें इस बात की खुशी है कि सब लोगों ने कहा है कि वो राजस्थान में ऐसा करेंगे कि 15 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में हर मंत्री जो है वो महीने में एक बार करे। अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे ये निवेदन करेंगे कि जहां भी भारत में कांग्रेस का शासन है, जिस भी राज्य में, वहां पर इसको लागू किया जाए। तो राजस्थान में जब घोषणा, जो एक सुझाव राहुल गांधी की ओर से दिया गया मालाखेड़ा की सभा में, उसी दिन शाम को जब सर्किट हाउस अलवर में एक बैठक हुई, बैठक में तय कर दिया गया कि हम राजस्थान में ऐसा करना जा रहे हैं। और ठीक उसके बाद अब देश भर में जहां भी शासन, जैसे हिमाचल में कांग्रेस जीत,
वो भी 15 किलोमीटर का महीने में एक दिन ऐसा दिन तय करेंगे कि 15 किलोमीटर कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और इन सड़कों पर निकलेंगे। बिल्कुल अश्वनी, आप बने रहेगा हमारे साथ। अश्वनी, क्योंकि देखिए तमाम मैसेज देकर गए हैं राहुल गांधी, फिर चाहे उनके संबोधन की बात की जाए या फिर अन्य बातों का जिक्र किया जाए, लेकिन एक बात आपने देखी होगी, नोटिस की होगी कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी थी वैसे वैसे नारेबाजी भी खूब हुई थी, लेकिन यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई कि लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, गुटबाजी नहीं नजर आ रही है, सब ऑल इज वेल है, लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे जैसे जैसे समय बीतेगा क्या वाकई में ऑल इज वेल रहेगा, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि बयानबाजी समय समय पर उभर कर सामने आई है वो सुनने को देखने को मिलती है या फिर नहीं, अब नजर इस पर रहेगी। देखिए, राजस्थान में एकजुटता दिखी है और कोई बयानबाजी यात्रा के दौरान नहीं आई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था या विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि अभी तो यात्रा राजस्थान में आई है, अभी देखिए क्या होगा, या फिर ये कहा गया कि अभी यात्रा एक बार निकल जाती है राजस्थान से, उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन से बदलाव राजस्थान में होने हैं। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आता है कि कोई बदलाव राजस्थान में होना हो, कोई बहुत बड़ी बयानबाजी सामने आनी हो, क्योंकि राहुल गांधी ने वो सारे संदेश दे दिए हैं साफ तौर पर। और अब राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद जो छवि है वो लार्जर देन पार्टी होगी कि राहुल गांधी पार्टी में जो कह देंगे वो माना जाएगा। उससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपना सुझाव देते थे, फिर पार्टी के दूसरे लोग अपना सुझाव देते थे और फिर तय किया जाता कि नहीं, राहुल गांधी हो सकता जो कह रहे वो नहीं माना जाए और दूसरे किसी सीनियर नेता ने कहा वो माना जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी और ये इस बात ने बता दिया है कि बालाखेड़ा की सभा में राजस्थान में जो भी राहुल गांधी ने सुझाव दिए वो तुरंत माने गए। राजस्थान सरकार ने ये कहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा ही कर दी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, भले ही वो ऐप बेस पर काम करने वाले लोग हों या हरियाणा में जो यात्रा के शुभारंभ पर जो भाषण राहुल गांधी ने दिया उन्होंने इसमें भी ये कहा कि मैं लोगों से पूछता हूँ, मुझसे युवा मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या करते थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंजीनियरिंग की है, उन्होंने ये पढ़ाई की है, और पूछता हूँ कि अब क्या करते हो, तो बताते हैं कि मैं ओला में काम करता हूँ, उबर में काम करता हूँ, तो हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए होता है। तो राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा था कि ऐसे लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि वो अपनी 35 साल की कहीं और कोई नौकरी करता है उसे पेंशन मिलती है, तो राजस्थान में कम से कम सरकार या कहीं भी कोई स्टेट की कोई सरकार है वो उनको कोई मदद करे ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, सोशल सिक्योरिटी की जो बात है लगातार अशोक गहलोत करते हैं वो उन्हें मिल सके, तो उसकी बात यहाँ पर उन्होंने की। गुटबाजी की जहां तक बात है लगता नहीं कि कोई सामने आएगी। बिल्कुल, लगातार हर मंच पर राजस्थान का हर नेता मौजूद रहा, जो लगातार ये कहा गया ये अलग अलग गुट हैं वो सारे गुट मौजूद रहे, तो कोई ऐसी समस्या राजस्थान में फिलहाल तो नजर नहीं आती। बिल्कुल अश्वनी, यही जो समस्या थी कम से कम वो तो नहीं नजर आई है, लेकिन दूसरी तरफ जो एकजुटता का मैसेज दिया है वो कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अब जब कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होते जमीनी स्तर पर तो फिर पार्टी को दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर खुद राहुल गांधी आए, उनसे बातचीत भी हो गई और सभी ने एक एक समय पर अपनी बातों को राहुल गांधी के समक्ष रखा, और अब चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं रह गया है, ऐसे में कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं तो पार्टी के लिए अच्छी बात है। फिर देखिए, निश्चित तौर पर एक चर्चा लगातार रहती थी कि राजस्थान में कांग्रेस अच्छी हालात में नहीं है, क्योंकि गुटबाजी है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि कांग्रेस सरकार को होटलों में रुकना पड़ा और बहुत घटनाएं हुई, तो आम लोगों को या कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता था कि अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएं तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है और दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। जब यात्रा आई तो कांग्रेस का माहौल बना, राजस्थान में कांग्रेस की चर्चा हुई, राहुल गांधी की चर्चा हुई, और जब तक ये कहा जाता कि राहुल गांधी कैसे करेंगे, राहुल गांधी ने अपना विजन रखा, अब एक फिर चर्चा हो गई है कि यात्रा के बाद अगर कोई टिप्पणी नहीं आती है, अगर कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं होती है, अगर दोनों गुट मिलकर काम करते हैं तो राजस्थान में भाजपा ही ज्यादा कांग्रेस मजबूत रह सकती है, ये एक चर्चा फिर चल पड़ी है। लेकिन हालांकि अभी वक्त है, ये कहना मुश्किल होगा कि आगे कौन क्या प्लानिंग करके बैठा है, कौन नेता क्या करेंगे, किसका कहां भविष्य और क्या टारगेट है, वो देखा जाएगा। लेकिन
फिलहाल ये नजर आता है कि राहुल गांधी का जो संदेश है वो राजस्थान में अच्छा एक संदेश गया है। सारे नेता एकजुट हैं और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश है, और वही संदेश अब राहुल गांधी को हरियाणा में देना है कि हरियाणा में भी चार अलग अलग गुट कांग्रेस में है, उन चारों गुटों को एक कैसे राहुल गांधी करते हैं, तीन दिन यात्रा यहाँ पर है। बिल्कुल अश्विनी, एक बात और, क्योंकि जब मध्य प्रदेश ने राजस्थान को ये यात्रा सौंपी थी उस समय हमने देखा था कि एक तरीके से टास्क भी दिया गया था मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने स्वीकारा भी था, और यहाँ पर जिस तरीके का जन समर्थन मिला है यात्रा को उससे सभी दिग्गज खुश भी नजर आए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।